नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा त्यागी। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। भाजपा सांसद ओम बिरला होंगे लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार। कोटा से दूसरी बार चुने गए सांसद, कल होगा अध्यक्ष का चुनाव। भाजपा के कार्यवाहक अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी को करेंगे मजबूत। संसद के बाहर भाजपा सांसदों ने किया स्वागत, भाजपा मुख्यालय में हुआ सम्मान। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से की मुलाकात। 5 हेक्टेयर तक वन भूमि हस्तांतरण का मांगा अधिकार। हरिद्वार महाकुंभ के लिए मांगे 5,000 करोड़ रुपए। और विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा, योग अपनाने से बढ़ती है रोग प्रतिरोधक क्षमता। योग को नई पहचान देने का प्रधानमंत्री मोदी को दिया आश्रय। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष के पद के लिए एनडीए की ओर से उम्मीदवार हैं। वे राजस्थान के कोटा से 2 बार सांसद चुने गए। उन्होंने आज लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पत्र भरा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और नितिन गडकरी ने ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा। बीजू जनता दल, शिवसेना, अकाली दल, लोक जनशक्ति पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड और एआईएडीएमके ने प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रहलाद जोशी ने बताया कि कांग्रेस ने प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया, लेकिन वे ओम बिरला की उम्मीदवारी का विरोध भी नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी के नव नियुक्त कार्यवाहक अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि वे कार्यकर्ता के रूप में पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। उन्होंने स्वयं पर भरोसा व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया। जेपी नड्डा को कल नई दिल्ली में पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक में भारतीय जनता पार्टी का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। श्री नड्डा का आज संसद के बाहर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और अन्य पार्टी सांसदों ने स्वागत किया। उनके सम्मान में आज भाजपा मुख्यालय में भी एक कार्यक्रम हुआ, जहां गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि वे वन भूमि हस्तांतरण में 5 हेक्टेयर तक की स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की परियोजनाओं में क्षतिपूर्ति, वृक्षारोपण के लिए डिग्रेडेड वन भूमि को अनुमन्य किया जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कैंपा के अंतर्गत 2019-20 की वार्षिक कार्य योजना को अनुमोदित करने, रेंजर्स कॉलेज मैदान की रिक्त भूमि को राज्य सरकार को हस्तांतरित करने का अनुरोध भी किया। वहीं मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से भेंट कर टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन की स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष में करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने दिल्ली और हल्द्वानी के बीच एक विशेष रेलगाड़ी और देहरादून से काठगोदाम के लिए सुबह के समय एक शताब्दी या जनशताब्दी शुरू करने का अनुरोध भी किया। उधर नई दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री, आवास और शहरी विकास मंत्रालय व नागरिक उड्डयन मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी से भेंट कर मुख्यमंत्री ने वर्ष 2021 में आयोजित होने जा रहे हरिद्वार महाकुंभ मेले के लिए केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ रुपये की एक मुश्त ग्रांट दिए जाने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ में देश विदेश से 15 करोड़ तीर्थयात्रियों के आने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का भी अनुरोध किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने अपनी सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है। टिहरी जिले के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने जिला योजना के लिए 57 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। ये धनराशि पिछले वर्ष के मुकाबले 5 करोड़ रुपए अधिक है। जिला सभागार नई टिहरी में जिला योजना की बैठक में प्रभारी मंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष 52 करोड़ रुपए के सापेक्ष टिहरी जिले ने शत प्रतिशत व्यय किया है। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों की सराहना की। उन्होंने बताया कि इस बार जिला योजना की धनराशि में बढ़ोतरी करते हुए 57 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा जिला नियोजन समिति के सहयोग से ही टिहरी में शत प्रतिशत बजट व्यय किया गया है। अब पंचायतों के लिए चुनाव होने वाले हैं। मैंने सबको उनको धन्यवाद भी दिया है और उनके भविष्य की शुभकामनाएं भी की हैं कि उनमें से कई लोग चुनाव जीत के भी आएंगे और बहुत सौहार्दपूर्ण ढंग से उन्होंने इन 2 सालों में यहाँ पर काम किया है।
जिला पंचायत अध्यक्ष जी को मैंने धन्यवाद दिया है और अपने मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि पिछली बार टिहरी जिले में 52 करोड़ रुपये का परिव्यय हुआ था और 100% विभागों ने खर्चा किया है। इस बार 57 करोड़ रुपये हमको टीपीसी मिले थे और कुछ वचनबद्ध ऐसा होता है हमारे यहाँ कुछ जिला प्लान में कुछ निधि ऐसी होती है जो कि तनख्वाह दे जाती है, लेकिन अधिकांश पैसा हमने कहा है कि पिछले सालों की तुलना में हमने कहा है कि जो काम रनिंग में है जो आधे चल रहे हैं 60% पैसा उन कामों को दिया है और 40% पैसा मैंने कहा कि नए कामों में खर्च करिए ताकि विकास भी होते रहें और पिछले काम पूरे हो जाए। नहीं तो पिछली सरकारों में क्या होता था कि 100 करोड़ रुपये का परिव्यय होता था और पैसा मिलता था कहीं 55 करोड़ रुपये, कहीं 56 करोड़ रुपये, कहीं 40 करोड़। इस बार 2 सालों में हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया है कि जितना परिव्यय होगा उतना 100% पैसा जो है जिलों को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को है। योग दिवस के लिए प्रदेश भर में उत्साह का माहौल है और जगह जगह योग उत्सव की तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में अल्मोड़ा के विवेकानंद हिमालय विकास केंद्र द्वारा रामजी इंटर कॉलेज में योग प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता का शुभारंभ राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान और उत्तराखंड आवासीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस एच धामी ने किया। इस अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि योग से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। उन्होंने कहा कि योग को नियमित दिनचर्या में शामिल करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा और बाबा रामदेव द्वारा पहल की गई है। उन्होंने कहा कि योग में शारीरिक विज्ञान निर्धारित है। योग जो है हमको नियमित दिनचर्या के रूप में हमको मिलना चाहिए, तो नियमित हमारी दिनचर्या है, दिनचर्या के रूप में हमको अपनाना चाहिए। जैसे हम भोजन लेते हैं, कपड़ा पहनते हैं, पानी पीते हैं, तो ये इस प्रकार से योग को हमने दैनिक जीवन के कार्यक्रम में उसको अमल में लाना चाहिए ताकि हम रोग मुक्त हो सकें। आज ये हमारे पूरे भारत के अंदर ही पूरे विश्व में योग का एक बहुत बड़ा महत्व मिल रहा है और लोगों को इससे लाभ भी मिल रहा है और शरीर स्वस्थ हो, हमारा मन स्वस्थ हो, हमारा मस्तिष्क स्वस्थ हो, इसके लिए योग हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही अनिवार्य सा हो गया। अब हमारे रामदेव बाबा जी और हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व में योग को आगे बढ़ाया है, तो मैं समझता हूँ हम सबको इससे सफलता मिलेगी और योग से हम आरोग्य रहेंगे। प्रदेश में मैदानी और पहाड़ी इलाकों में तेज गर्मी से राहत बरकरार रहेगी। मौसम विभाग ने प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश और ओलावृष्टि होने के साथ ही मैदानी इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावना जताई। विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में तापमान में गिरावट आएगी। इस बीच देहरादून में आज दिनभर आसमान में बादल छाए रहे और मौसम खुशगवार रहा। सोमवार को देहरादून में 1 घंटे में सबसे अधिक 45.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके बाद देहरादून का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। उम्मीद की जा रही है कि अगले 3 दिनों तक तापमान में और गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 36 घंटों में मौसम का मिजाज इसी तरह रहेगा। राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है। इससे अधिकतम तापमान में 2 से 6 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है। मैदानी इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। लिपुलेख दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार की तैयारियां तेज हो गई हैं। पिथौरागढ़ प्रशासन ने व्यापार में शिरकत करने वाले व्यापारियों के ट्रेड पास बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विदेश मंत्रालय ने इस बार 320 व्यापारियों को ट्रेड के लिए चीन जाने की अनुमति दी है। इनमें से प्रशासन ने 76 व्यापारियों को ट्रेड पास जारी कर दिए हैं। ट्रेड पास जारी होने के बाद जल्द ही व्यापारियों के लिपुलेख दर्रे से व्यापार का सिलसिला शुरू होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि दोनों देशों के रिश्तों को और बेहतर बनाने और व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए 1993 से भारत चीन स्थलीय व्यापार शुरू किया गया था। इसके लिए भारतीय क्षेत्र में गुंजी और चीन में तकला कोट को मंडी बनाया गया। लिपुलेख दर्रे से आयोजित होने वाले इस व्यापार में हर साल भारतीय व्यापारी गुड़, मिश्री, तंबाकू, कॉस्मेटिक सामग्री और माचिस से लेकर चीन जाते हैं, जबकि चीन से रेडीमेड कपड़े, जूते, कंबल आदि सामान आयात करते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जून से अक्टूबर माह तक आयोजित होता है। वर्ष 2019 में जो इंडो चाइना ट्रेड होगा उसके लिए हमने जो विदेश मंत्रालय है वहाँ से 300 पासेस लिए हैं और कुछ पासेस हमारे पहले से थे, 20 पासेस हमारे पहले से थे, तो कुल मिला के 320 पास बनते हैं। और जो हमने पासेस हैं वो जो जारी करने का जो प्रोसेस है हमने स्टार्ट कर दिया है। हमने 76 जो ट्रेड पासेस हैं वो इशू करे हैं और बाकी जो पासेस हैं बहुत जल्द हम इशू करवा देंगे।
अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बी आर आर्या ने आज अल्मोड़ा जिले के ब्लॉक संसाधन केंद्र सोमेश्वर में स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों और वहां निवास कर रहे लोगों की मूलभूत सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निदान करना सुनिश्चित करें। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि पिछड़ी जातियों के उत्थान और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयास किए जाएं, साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें दिलाया जाए। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं से आयोग के अध्यक्ष को अवगत कराया, जिस पर अध्यक्ष ने विभागीय अधिकारियों को समस्याओं का जल्द निदान करने की बात कही। गढ़वाल कमिश्नरी के 50 साल पूरे होने पर पौड़ी में पहली बार प्रदेश कैबिनेट बैठक होगी। कमिश्नरी के हीरक जयंती कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। समारोह की तैयारियों को लेकर मुख्य विकास अधिकारी डीपी सिंह ने आज विभिन्न विभागों के साथ विकास भवन सभागार में बैठक की। कुमाऊं कमिश्नरी से गढ़वाल कमिश्नरी जनवरी 1969 में अलग हुई थी और सरकार गढ़वाल में 50 साल पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम आयोजित कर एक अलग तरह की पहल कर रही है। इस अवसर पर पौड़ी के कंडोलिया मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रम, माउंटेन बाइक रैली, मैराथन दौड़, गोष्ठी का आयोजन भी किया जाएगा। देखिए, जो ये 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, इसके लिए कमिश्नर साहब और डीएम साहब द्वारा निर्देशित किया गया था कि बैठक आहूत कर लें, तो इसमें जो हमारी कल्चरल टीम्स हम बुला रहे हैं बाहर से, जो 29 और 30 दो दिन यहाँ कार्यक्रम होगा, उसके अलावा मैराथन है स्पोर्ट्स विभाग के साथ, हमारे टूरिज्म के साथ माउंटेन बाइक रैली की जाएगी, एक कार्निवल निकाला जाएगा जो हमारी सांस्कृतिक दल है उनकी झांकी प्रस्तुत की जाएगी, और उसके साथ साथ एक गोष्ठी भी आयोजित की जा रही है ताकि जो पहाड़ से पलायन हो रहा है तो उसको कैसे रोका जा सकता है या हम क्या कर सकते हैं, तो अन जनपदों से भी जो हमारे अच्छे विचारक हैं या जिन्होंने इस फील्ड में काम किया उनको हम आमंत्रित कर रहे हैं। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही, चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा सांसद ओम बिरला होंगे लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार। कोटा से दूसरी बार चुने गए सांसद, कल होगा अध्यक्ष का चुनाव। भाजपा के कार्यवाहक अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी को करेंगे मजबूत। संसद के बाहर भाजपा सांसदों ने किया स्वागत, भाजपा मुख्यालय में हुआ सम्मान। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से की मुलाकात। 5 हेक्टेयर तक वन भूमि हस्तांतरण का मांगा अधिकार। हरिद्वार महाकुंभ के लिए मांगे 5,000 करोड़ रूपए। और विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा, योग अपनाने से बढ़ती है रोग प्रतिरोधक क्षमता। योग को नई पहचान देने का प्रधानमंत्री मोदी को दिया श्रेय। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए, नमस्कार।